पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की मारपीट के बाद जहां पूरे देश में डॉक्टर्स ने रोष जाहिर करने के लिए ओपीडी बंद करने का और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, वहीं बाहरी दिल्ली के नरेला में स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। मरीजों का सुचारू रूप से इलाज जारी है। राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जाहिर नहीं किया गया। वहीं पूरी दिल्ली में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। बाहरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में कार्य प्रतिदिन की तरह सुचारू रूप से जारी रहा। मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के डॉक्टर मनोज का कहना है कि डॉक्टर को एक साथ आना चाहिए और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले से निपटने के लिए उनके पास सुझाव है और उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि मेरे पास भीड़ को काबू करने के लिए सटीक सुझाव है और उन्होंने सभी डॉक्टर्स को एक साथ आने की बात कही। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर को मारे जाने के मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ रखा है। इस घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा की मांग की और कहा कि आए दिन डॉक्टर्स मारपीट की घटना के शिकार होते हैं, कभी बंगाल तो कभी दिल्ली में पीटे जाते हैं, इस पर रोक लगाई जाए। वहीं राजधानी दिल्ली में तमाम बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल कर दी है। दिल्ली के एम्स व सफदरजंग सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने शुक्रवार सुबह एम्स और सफदरजंग में नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। इससे दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पुराने मरीजों के लिए ओपीडी खुली है। हड़ताल के समर्थन में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन IMA और डॉक्टर के अन्य संगठन भी साथ आ गए हैं। देखो, सुबह जब मैं ड्यूटी पे आया था तो रेजिडेंट डॉक्टर्स समर्थन करना चाहते हैं, हड़ताल करना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो डरे हुए हैं क्योंकि उनके सामने कई सारे डर रहते हैं कि अस्मान लग जाए, प्रशासन कोई एक्टिविटी ना करे। तो अभी तक तो इन्होंने हड़ताल की नहीं है, पर एज ए पर्सनली डॉक्टर मनोज मैं कहना चाहता हूँ हड़ताल करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सारे डॉक्टरों के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। सिमी बंगाल में हुए डॉक्टरों के साथ मारपीट के बाद दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल इसका सोल्यूशन है, और इसका सोल्यूशन धरना प्रदर्शन नहीं है। टेक्निकली हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे हम इन लोगों को रोक पाएंगे, कैसे FIR होगी, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, और इंडिविजुअली कोई बंदा जो FIR करता है वो डरता है, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। इंस्टीट्यूशनल FIR MS लोग नहीं करना चाहते, प्राइवेट डॉक्टर्स की अपनी प्रॉब्लम्स है। मैं सारे डॉक्टर्स को कहना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट है www.oxygenvillage.com, आप उससे लिंक करिए। मैं कल पूरा सोल्यूशन उस पर शेयर करूंगा और पूरे हिंदुस्तान भर के सारे प्रोफेशनल्स, जितने डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा और सबके खिलाफ मैं ही केस फाइट करूंगा। और मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो मुझे सुने तो मुझे एक बार अपॉइंटमेंट दें और मेरे पास पूरे हिंदुस्तान भर के लिए सोल्यूशन है। क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा पूरे हिंदुस्तान में, इवन सड़कों पर और अस्पतालों में दोनों जगह। उपेंद्र प्रसाद, आप दवाई कौन से हॉस्पिटल में लेने के लिए? राजा हरिश्चंद्र। क्या यहाँ पे डॉक्टरों की स्ट्राइक है? नहीं, यहाँ नहीं स्ट्राइक, यहाँ हर डॉक्टर है, हर चीज की दवाई कॉन्फर्म मिलने लगी। दवाई कॉन्फर्म मिलता है।